Alaikum dear students and uh, lovely fellows. I hope you all are fine, enjoying your life. I wish that you are happy, share your happiness, and others So uh, I am here with another chapter of uh, second year FA FSC or uh, ICA students. This is chapter six of book two. द मैन हु वॉज़ अ हॉस्पिटल दिस इज़ रिटन बाय अ वेरी फेमस यूमरस राइटर जैरोम के जैरोम एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी लाइक इंटरेस्टिंग ये बहुत दिलचस्प अंदाज में लिखा गया है और ये उन तमाम लोगों को इंस्पायर करेगा और टच करेगा जो लोग बहुत वहम का शिकार होते हैं और जहाँ कहीं भी किसी भी डिजीज़ के बारे में सिम्टम्स पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ एनालिसिस पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि ओ माय गॉड दिस इज आई एम सफरिंग फ्रॉम इट तो इस तरह की चीज़ें हैं आखिर में बहुत अच्छा सोलूशन भी बताया गया है हम जो है फॉर दिस टाइम इसकी जो ट्रांसलेशन है वो करने लगे हैं सो बी अटेंटिव एंड लेट स्टार्ट इट वॉज माई लिवर दैट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर ये मेरा जिगर था जो खराब था आई न्यू इट वॉज माई लेवर में जानता था कि यह मेरा जिगर ही था दट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर जो खराब था या बिगड़ा हुआ था जिसमें मसला था बिकॉज आई है इश्तहार को लेवर पेल जिगर के से रिलेटेड जो गोली है और पैटर्न का मतलब होता है मखसूस क्योंकि मैं जिगर की गोली के बारे में एक मखसूस इश्तहार पढ़ रहा था इन विच वेयर डिटेल द वीरियस सिम्टम्स जिसमें तफसील के साथ बयान की गई थी बाई विच अन को टेल वेन हेज लिवर वॉज आउट ऑफ ऑर्डर जिनकी जिनको पढ़ के एक इंसान बता सकता था कि उसका जिगर कब ख़राब है आई हैड दैम आल और मेरे अंदर वो तमाम अलामत मौजूद थी इट इज अ मोस्ट एक्सट्रॉर्डिनरी थिंग ये एक बहुत गैर मामूली बात है बट आई नवर रीड अ पैटंट मेडिसन एडवर्टीजमेंट लेकिन मैंने कभी भी मखसूस दवाइयों का इश्तहार नहीं पढ़ा है विदाउट बींग इम्पेल्ड टू द कंक्लूजन बगैर इस नतीजे पर पहुंचे द टाइम सफरिंग फ्राम द पर्टिकुलर डिजीज और मैं बगैर इस नतीजे पर पहुंचे कि मैं इस मखसूस बीमारी से सफ़र कर रहा हूँ मैं इस मखसूस बीमारी में मुबला हूँ देयर इन विद जिसका जिक्र किया गया है इन इट्स मोस्ट वेरुलेंट फॉर्म वेरुलेंट का मतलब होता है मोहलिक इंताई संगीन हालत और यह कहता है कि मैं कभी भी मैंने कभी भी किसी भी मखसूस दवाई के बारे में इश्तहार नहीं पढ़ा है यहाँ तक कि मैं इस नतीजे पर पहुँच जाता हूँ कि मैं इस मखसूस बीमारी में इसकी इंतहाई शक्ल में मुबतला हूँ द डायग्नोसिस सीम्स और जो तशीस है वो ऐसे लगती है इन एवरी केस हर बीमारी में टू कॉ रिस्पॉन्ड एग्जैक्टली वो एन मुताबक होती है विदऑल देंसेशन उन तमाम एहसास से रिलेटेड दैट आई है मुझे कभी महसूस होते हैं आई रिमेंबर गोइंग टू द ब्रिटिश म्यूजियम वन डे टू रीड अप द ट्रीटमेंट फॉर समाइट एलमेंट ऑफ विच आई हैड अ टच है फीवर फिर वो कह रहा है कि मुझे याद है कि मैं एक बीमारी जिसका मुझ पर हल्का सा हमला था उसकी इलाज के बारे में पढ़ने के लिए ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी में गया था है फीवर तपे महरका आई फैंसी इट ये ऐसा ही था आई गॉट डाउन द बुक मैंने किताब निकाली एंड रीड ऑल आई केम टू रीड और वो तमाम मैंने पढ़ा जो पढ़ने के लिए मैं आया था एंड देन इन एन अन थिंकिंग मोमेंट और फिर बेख्याली में आई आईडली टन लीव्स मैंने ऐसे ही बेखबरी में वर्क पलटना शुरू किए एंड टू आइडोलेंटली आइडोलेंटली कहते हैं सुस्ती से और फिर मैं सुस्ती से स्टडी डिजीजेस बीमारियों को पढ़ने लगा जनरली अमूमी तौर पर आई द फर्स्ट प्लांट इन टू मैं भूल गया कि कौन सी पहली बीमारी थी जिसका मैंने किया यहाँ पे डिजीज एलमेंट का जो आल्टरनेटिव वर्ड है वो डिस्टेम्पर यूज हुआ है सम फियरफुल कुछ खौफनाक डिवास्टेटिंग तब तबाहकुन बीमारियाँ आई नो मुझे मालूम हुआ एंड बिफोर आई हैड ग्लास्ड हाफ डाउन द लिस्ट ऑफ प्री मॉनिटरी सिम्टम्स और इससे पहले कि मैं कुछ आधी नज़र नीचे दी गई लिस्ट के ऊपर पेश की अलामत पे डालता आई वॉज बॉर्न इन अपॉन मी दैट आई हैड फेरली गो इट गॉट इट ये मुझे मालूम हुआ कि ये बीमारी मुझे मुझ में मौजूद है या ये बीमारी मुझे लाक है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह जो राइटर है वो बयान कर रहा है कि जिस तरह वो बीमारियों के बारे में पढ़ता है उसे जैसे-जैसे इल्म जैसे होता है हर बीमारी उसके अंदर मौजूद है जो है नेक्स्ट पैराग्राफ आई सेट फॉर अ फ्रोज़न विद हॉरर मैं कुछ देर के लिए खौफ से मुंजमिद बैठ गया एंड देन इन द लिस्ट लेसनेस ऑफ डेस्पेयर और फिर मायूसी की इंतहा पे या लिस्ट नेस नेस कहते हैं बे इंतहा और फिर माँ यूसी की बेहसी में आई अगेन टर्न ओवर द पेजेस मैंने दोबारा सफ़े उलटना शुरू किए और आग पलटना शुरू किए आई केम टू टाइफाइड फ़ीवर मैं टाइफाइड फ़ीवर पे पहुंचा रीड द सिम्टम्स अमाम को पढ़ा डिस्कवर दैट आई फीवर मुझे ये दरियाफ्त हुआ मुझे ये मालूम हुआ कि मुझे तो टाइफाइड बुखार है मस्ट हैड इट फॉर मंथ्स विदाउट नोइंग इट और बगैर जाने ये मुझे महीनों से लाक था वंडर्ड वट एल्स आई हैड गॉड हैरान हुआ कि और मुझे क्या हो सकता है अप सेंट टर्नड डांस फिर मैं सेंट वाइट डांस की बीमारी पे आया फाउंड एज एक्सपेक्टेड और मतव़ तौर पर ये मुझ में मौजूद थी दैट आई हैड दैट टू और यह भी मुझे लाक थी मुझ में मौजूद थी बिगेन टू तो गेट इंटरेस्टड इन माई केस मैं तो अपने आप में दिलचस्पी लेने लगा एंड डिटर्मन टू शिफ्ट इन टू द बॉटम और मैंने इरादा किया कि मैं मामले की तय तक जाऊँगा एंड सो स्टार्ट अल्फाबेटिकली और मैंने जो है हरूफ तहजी के uh, मुताबिक पढ़ना शुरू कर दिया रीड अप अगेन एंड लर्न द टाइप ऑज सिकनिंग फॉर्म एट दोबारा पढ़ा और मैं ये जाना मैंने ये जाना कि मैं तो इसमें मुब्तला हूँ या ये मुझे, मुझे बीमारी लाक है एंड दैट द एक्यूट स्टेज वुड कमेंस इन अबाउट ए नदर फोर्थ नाइट और इसकी जो खतरनाक हालत है ख़तरनाक मरहला है संगीन मरहला है कमेंस का मतलब होता है शुरू होना ये एक और चौदह दिनों में दो हफ्तों में शुरू होगा इट कहते हैं चौदह दिनों को दो हफ्तों को एक्यूट स्टेज संगीन मरहला बीमारी आई वॉज रिलीव टू फाइंड आई हैड ओनली इन मॉडिफाइड फार्म और मुझे थोड़ा ये जानकर सुकून महसूस हुआ कि यह कुछ मत हालत में या हल्की स्टेज पे मेरे अंदर मौजूद है एंड सो फॉर एज दैट वॉज कंसर्न और जहां तक इसका ताल्लुक है आई माइट लिव फॉर यस और मैं सालों जिंदा रह सकता था इस बीमारी के साथ हैज़ा आई हैड सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हैज़ा तो मेरे अंदर ख़तरनाक किस्म की पेचीदगियों के साथ मौजूद था सीवियर खतरनाक सख्त कॉम्प्लिकेशंस पेचीदगियाँ एंड डायफ्टरिया और डायरिया आई सीम टू हैव बॉर्न विद ये तो मैं इसके साथ पैदा हुआ था लाइक कि ये तो बचपन से ही पैदा होते साथ ही मुझे था

सिर्फ एक ही बीमारी मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सिर्फ मुझे एक ही बीमारी नहीं है और वो है घुटने की चपनी की सोजिश वाली सो so, uh, इसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग विकैबलरी मिल रही है और ऊपर से जो है इसका वे जो है वो बताने का बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से ये जो है बीमारियों को पड़ रहा है उनके सिम्टम्स पड़ रहा है एंड ही इज़ एक्सपेक्टिंग दैट ही हैज़ गॉट ऑल द डिजीज़ सच आ लाइक सुपर पर्सन यू कांट से ऐसा इंसान जो बहुत ही वहमी हो जिस तरह की सिचुएशन देखे जिस तरह की सिम्टम्स पड़े उसे लगे कि मैं तो इससे भी सफर कर रहा हूँ और मेरे अंदर ये भी बीमारी जो है वो मौजूद है सो so, एक तो ये इंटरेस्टिंग है दूसरा आपके लिए इसमें बंच ऑफ विकैबलरी है डिजीज से मुतिक एलमेंट से मुतिक काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड आए हैं डिस्टेम्पर एलमेंट दैन जो है नेक्स्ट पैराग्राफ आई फेल्ट हर्ट और मुझे तो ये हल्का सा दुख महसूस हुआ अबाउट दिस एट फर्स्ट पहले पहले इट सी सम हाउ टू बी सॉर्ट ऑफ स्लाइट स्लाइट कहते हैं बेजती को डिस को मुझे ये कुछ बेजती और तजलील महसूस हुई आफ्टर अडेंट आई गॉट हाउस मेट नी मुझे ये घुटने की बीमारी क्यों नहीं थी वाई दिस इनविडियस रेजर्वेशन इनविटीज़ कहते हैं नाकबिल बर्दाश्त नफ़रत अंगेज़ नापसंदीदा एंड रेजर्वेशन uh, बेरुखी इतनी ज़्यादा नापसंदीदा बेरुखी क्यों आफ्टर अवाइल थोड़ी देर के बाद हाउ एवर ता हम लेस ग्रेस्पिंग फीलिंग प्रिवेल्ड कुछ कम खुद गजाना जज्बात जो हैं वो छा गए जज्बा छा गया आई रिफ्लेक्टेड मैंने ख्याल किया दैट आई हेड एवरी अदर नॉन मेलेडी मैंने सोचा कि मुझे हर मशहूर बीमारी जो है वो लाहक है इन द फार्माकोलॉजी में एंड आई ग्री लेस सेल्फिश में कम खुद गर्ज हो गया एंड डिटर्मन टू डू विदाउट हाउस मेट नी और मैंने इरादा किया कि मैं आ, इस घुटने की बीमारी के बगैर ही गुजारा कर लूँगा गाउट गेंटिया की बीमारी इन इट्स मोस्ट मेलिगनेंट स्टेज इनतहाई संगीन मरहल पे इट वुड अपीयर ये होगी एड सीज मी विदाउट माई बींग अवेयर ऑफ इट कि गैठिया की बीमारी बग़ैर मेरे इल्म के मुझे इंतहाई खतरनाक मरहले पर मिली है या मुझे इंतहाई खतरनाक मरहले पर मेरे अंदर मौजूद है एंड जायमोस और जायमोस आई हैड एविडेंटली बीन सफ़रिंग विद फ्राम माई बॉयहुड आई हैड एविडेंटली एविडेंटली वाज तौर पर बीन सफरिंग मुब्तला था विद फ्राम माई बॉयुड मैं अपने लड़कपन से इसमें मुब्तला था देर व नो मोर डिजीज और बीमारियों मजीद बीमारियों का तस्करा नहीं था आफ्टरस जायमोसिस के बाद सो आई कंक्लूड देर वॉज नथिंग एल्स द मैटर विद मी सो मैंने ये नतीजा निकाला कि इसके अलावा मेरे साथ कोई मसला नहीं था आई सेट एंड पॉन्डर्ड मैं बैठ गया और गौर करने लगा आई थॉट वट एन इंटरेस्टिंग केस इट मस्ट बी फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने सोचा कि तबी नुक़ नजर से यह मामला किस कदर दिलचस्प होगा वट एन एक कितना कीमती असास हूँ आई शुड बी टू अ क्लास मैं एक क्लास के लिए एक जमायत के लिए कितना कीमती असासा हूँ स्टूडेंट्स वुड हैव नो नीड टू वॉक द हॉस्पिटल्स इफ़ दैड मी अगर मैं उन्हें मिल गया तो तलबा तो को तो हस्पतालों के चक्कर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आईव वॉज अ हॉस्पिटल इन माई सेल्फ मैं अपने अंदर एक हस्पता था ऑल दे नीड टू डू उन्हें सिर्फ क्या करना होगा वुड बी टू वॉक उन्हें सिर्फ चलना होगा अराउंड मी मेरे इर्द गिर्द एंड आफ्टर दैट और उसके बाद टेक देर डिप्लोमा उनके उसके बाद जो है वो अपनी सनद हासिल कर लेंगे ये एक इंसान की परसेप्शन है उसकी अपने बारे में कि ये क्या है मतलब एक ये नॉर्मल बिहेवियर भी हो सकता है हम यूजुअली ऐसे लोगों को देखते हैं जो बीमारियों के मुताबिक लोगों से मिलते हैं सिचुएशंस को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हम ऐसे हैं या हम सितम जरीफी के शिकार हैं किस्मत का शिकार हैं बीमारियों का शिकार हैं तो एक नॉर्मल सा बिहेवियर है कि कैसे एक इंसान एक सिचुएशन का शिकार हो जाता है बिल्कुल इसी तरह जैसे ये शख्स इसने कोई एडवर्टीजमेंट पढ़ा किसी बीमारी के सिम्टम्स पढ़े, और कहीं पे म्यूजियम में गया वहां पर पड़ा तो वहां तो ये जाके सारी डिजीज वन बाय वन अल्फाबेटिकली पढ़ के तो अपने आप को वो हॉस्पिटल समझने लगे कि मेरे अंदर तो तमाम बीमारियां मौजूद हैं और ऐसा अक्सर होता है कि आप किसी भी बीमारी के अगर सिमटम्स पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ होगा सर दर्द चक्कर आना आंखों में दर्द आंखों के पीछे दर्द या टांगों में दर्द जिसम में दर्द तो आप कहेंगे ये तो सारी मेरे अंदर मौजूद है बिकॉज अ परसन समहा फील्स पेंस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ तो काम करते हुए चलते फिरते दीज सिम्टम्स कैन श्योरली फाइंड योर वे आपको लग सकता है कि आपके अंदर भी मौजूद हैं तो इट डजेंट मीन एट ऑल कि यू आर सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड और समथिंग लाइक दिस जरूरी नहीं होता तो ये इस तरह का शिकार हो जाना इन चीज़ों का और अपने आप को खौफ में मुबतला कर लेना बिकॉज जब तो आप ये कहते हैं कि मुझे तो ये भी बीमारी है ये भी बीमारी है तो ऑब्वियसली यू बिकम अ विक्टिम ऑफ हॉरर तो हॉरेबल चीज़ों का शिकार नहीं होना है इस तरह की इससे यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस इससे दूर ही रहना है और अपने आप को रिलैक्सड और हैप्पी रखना है और इसके साथ साथ इसकी ट्रांसलेशन जो है वो जरूर करनी है ओके okay.